सेट, टीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको लाइव क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा डेली 8 PM। हाँ, आप सुन रहे हैं तो सही सुन रहे हैं, क्योंकि 125 का सेट होता है, 2 से 2.5 घंटे तो सॉल्व करने में लगेंगे। 20 सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 सोल्यूशन, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज कुछ क्वेश्चंस हैं अभी सॉल्व कर लेते हैं, फिर कल नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो जिस भाई ने अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंडों को शेयर करिए, और देखिए आपने कितनी तैयारी कर रखी है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपका स्कोर क्या हो रहा है, कमेंट में ज़रूर दीजिए। चलिए, पहला, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस, किस प्लेस पे इसमें इसका इन्वेंशन किया गया था प्रिंटिंग प्रेस का। बिल्कुल, आप लोग आंसर को सोच रखा है, तो बिल्कुल सही आपने सोच रखा है, वह है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज इज डन डन इज एन इंग्लिश स्टिकल्स अडॉप्शंस फ्रॉम मैकबेथ, दिस अडॉप्शंस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, अमिताभ बच्चन, टॉम स्टॉप्ड, अमेरिका, या फिर रजत कपूर। अमेरिका, ये तो कंट्री का नाम है, तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, टॉम स्टॉप्ड है नहीं, अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा किया नहीं, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है मेरे आगे, रजत कपूर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हु इज एसोसिएटेड विद द रीजंस इन मैडनेस, किसको मैडनेस रीजन हुआ था एसोसिएटेड, वो किससे कौन संबंधित है, हैमलेट है, हाँ हैमलेट हो सकता है, क्योंकि वो भी पागल हुआ था, बट यहाँ पे हैमलेट अगर आप आंसर सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। चलिए, आप आंसर को बताइए, पोलोनियस, पोलोनियस में ऐसी कोई मैडनेस वाली कोई क्वालिटी नहीं थी, क्रॉस हो गया। आइगो में कोई में भी ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, तो वो भी क्लास हो गया, तो आंसर मेरा सही हो रहा है, लियर। चलिए, हुज सिस्टर प्लीज डिड द वर्जीनिया वुल्फ इमेजिन, बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है सोचने के लिए, बता सकते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर करिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पर्सनल कमेंट करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। सेवन एट नाइन सेवन ज़ीरो फाइव फोर वन ज़ीरो सेवन, 7897054107। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। चलिए, तो आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसमें है शेक्सपियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इन दिस पीटी प्रेस From day to day to the last of recorded time. In this excerpt from Shakespeare Macbeth.
क्या मूव डिजिट है, रन्स पॉइंट है, क्रीप साइलेबल है या क्रीप वर्ड है? बिल्कुल आंसर आपने सोच रखा होगा, तो इसमें है क्रीप साइलेबल। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 2007 में एलिक्ट पेडामेंस प्रेजेंटेड वन ऑफ द शेक्सपियर प्ले इट इज। 2007 की बात कर रहा है। एल्कोइक पेंडेमिक द प्रेजेंटेड इन वन ऑफ शेक्सपियर प्ले। बिल्कुल आंसर आप सोच रहे होंगे, एज यू लाइक इट। ओ दिस इज रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का सोर्स क्या है? ओके वन मिनट। अगला क्वेश्चन आपने आंसर सोच लिया, तो इसमें है लाइव्स बाय द प्लूटार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रेनेसेंस इन्फ्लुएंस्ड मच। जो रेनेसा पीरियड था वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था? एंगस्टनेज, सवाल ही नहीं उठता। क्लासिकल एज तो है ही नहीं। विक्टोरियन एज नहीं, फिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है यहाँ पर, एलिजाबेथनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आंसर बताइए। इन विच कंट्री देयर वाज द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन इंग्लैंड 15th सेंचुरी, 16th, 17th या 18th सेंचुरी। अगर आप आंसर 16 सेंचुरी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार विजिट हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट अदरवाइज शेक्सपियरियन सोनेट, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी 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 ए बी बी ए ए सी डी सी डी सी डी या फिर ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ डबल जी 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 कहते हैं, डबल जी नहीं बोलते हैं। चलिए आपने बिल्कुल आंसर सही करेक्ट चुन लिया है, इसका ऑप्शन जाता है ए ए ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ और जी जी। अगला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्प्रेसिज्म। ओके बताइए, इसके आंसर है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्प्रेसिज्म। तो आप आंसर विलियम शेक्सपियर लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, मिल्टन लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, मार्लोस ऑप्शन में नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ये है बैकन। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज। ओरिजिनल बाइबल थी वो किस लैंग्वेज में कंपोज्ड की गई थी? ग्रीक, रोमन, इंग्लिश, हेब्रू। वेरी इजी क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है आपके लिए? तो आप अगर नहीं पता है
तो आंसर है हेब्रो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रिलूड, प्रिलूड का सब टाइटल क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको आता है, तो आंसर में फिर देरी क्यों, ग्रोथ ऑफ विट्स पैट्स माइंड। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे, इनके जो विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसकी डेथ कब हुई थी जो भी आपको बताना है। चलिए डेथ मैं बता दे रहा हूँ, 1805 में हुई थी। नाम आपको बताना है, किस कारण हुई थी, तो सिप ब्रेक हुआ था उसके कारण हो गई थी। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉयस ऑफ गॉड, वेयर डज दे दिस लाइन अपेयर, ये लाइन किसकी है, स्टर्न डॉटर ऑफ वॉयस ऑफ गॉड, वेयर डज इन दिस लाइन अपेयर, ओड टू ड्यूटी, ओड टू एडवर्सिटी, ओड टू डॉटर, ओड टू लेमिया, ओड टू ड्यूटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, बताइए, एंड ट्वेल्व प्लीजर्स इन दिस अबाउट एन एपिसोड इन प्रेल्यूड, विच एपिसोड, किस एपिसोड की बात करता है, बोटिंग एपिसोड, रिवर एपिसोड, रिंग एपिसोड, नन ऑफ देम। बिल्कुल आपने आंसर सोच रखा होगा, आपको आंसर आता है तो फिर हो जाएगा बोटिंग एपिसोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट करने की कोशिश करिए, प्रेस टू द एंड, थैंक टू द मीन विस नेचर डिजाइंस टू एम्प्लॉयज इन दिस लाइन अपेयर, ये लाइन किस में अपेयर होती हैं, प्रीलूड फर्स्ट सेकेंड थर्ड नन ऑफ देम। देखिए जितना ज़रूरी है मुझे नया पढ़ने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कहीं आवश्यकता है मुझे रिवीजन की, क्या जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ही अच्छा हम कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा एग्ज़ाम क्रैश करने में, इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है। जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक पेपर कंप्लीट एक पेपर, लाइव क्लास डेली नाइट 8 PM। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेस टू द एंड थैंक फॉर मीन विच नेचर डिजाइंस टू एम्प्लॉयज इन दिस लाइन अपेयर इन प्रेल्यूड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हु कॉल्ड द इमोर्टैलिटी ओड हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, जे इमोर्टैलिटी ओड को किसने कहा, सैमसन, इमर्सन, वाटर एलन, नन ऑफ दिस। आंसर आपने सोच लिया है तो बिल्कुल आप सही हैं, इमर्सन। Where is the lyrical ballad appreciated in more than an England? England के अलावा जो है lyrical ballad कहाँ publish हुए थे, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, जर्मनी, तो इसका सही आंसर है अमेरिका। कब हुए थे, कमेंट बॉक्स में आपको होमवर्क में डेट आपको बतानी है। द पोएम हैप्पी बैरियर इज द पार्ट इज कमेमोरेट इन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड कॉलेज या हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। इसका आंसर है जॉन वर्ड्सवर्थ। चलिए द सोलेटरी एपर वाज कंपोज्ड
in 1805 was composed 2 years after a tour of August 1803 Scotland it was published. So literary पर कंपोज़ की गई थी 1805 में, ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरा लिखना है आपको, ये ध्यान में रखना है कि इसका टूर कब हुआ था, अगस्त 1803 में. कहाँ का हुआ, स्कॉटलैंड में. और इन द पब्लिकेशन इसकी डेट आपको ध्यान में रखनी है, तो 1807 में. राइट आंसर इसका है 1807. सी गिव मी आइज, सी गिव मी आइज एंड हम्बल केयर्स एंड डेडिकेट फेयर्स अ हार्ट एंड फाउंटेन ऑफ स्वीट टायर्स. दीज लाइन्स आर रेफरेंस टू रिवर वे है, एनेट ट्वेलन है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ है, या एंग क्रिस्टल है स्कॉटलैंड में. आंसर आपको बताना है. तो ये लाइन जो रिफ़र की गई हैं, ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ की हैं. किस पोएम से ली गई हैं, जे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये लाइन है किस पोएम की है. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन गिवन क्वाइट द गॉड्स अप्रूव द एडॉप्ट द डेप्थ एंड नॉट द ट्रम्प ऑफ द सोल. बिल्कुल आपने सही सोच रखा होगा क्वेश्चन. आंसर आपको बताना है. इसका सही आंसर हो रहा है लैडमिया, लैडोमिया. चलिए अगला क्वेश्चन है. बेन बाज अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन एड टू द लिरिकल बैलेट. तो फर्स्ट एडिशन में, सेकंड या थर्ड एडिशन में, वहाँ पर इतना अगर आपको पता है कि जो पोएटिक डिक्शन है या अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, वो लिरिकल बैलेट में कब ऐड किया गया था. सबसे पहले तो लिरिकल बैलेट आए थे 1798 में, लिखे गए थे. उसके बाद इनका सेकेंड एडिशन 1800 में आया था, उसमें इनने प्रीफेस जोड़ लिया था. थर्ड एडिशन आया था 1802 में, थर्ड एडिशन, उसमें अपेंडिक्स या पोएटिक डिक्शन को ऐड किया गया. तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो रहा है. लिटिल मैन फर्स्ट मॉरलिटी इन इच इन फर्स्ट सीन, थर्ड सीन, फाइव सीन, नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 25. आंसर नंबर वी इज राइट, थ्री सीन्स. लर्न लिटिल्स आई डोंट नो अक्रॉस क्रॉस वी ऑल आउट ईच अदर थ्रोड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स इट इज डायलॉग इन द प्ले ऑफ. किस प्ले का डायलॉग है. क्वेश्चन नंबर 26 का शेक्सपियर मैकबेथ का है, फिर गॉल्सवर्थी का लॉयलिटीज का है, स्ट्राइफ का है. आप अगर आंसर सोच रहे हैं कि बी, तो बिल्कुल सही है. गॉल्सवर्थी द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, चीफ एक्सपोनेंट थे. चलिए आपके लिए हम दो ऑप्शन ही रखते हैं, दो में से एक ही आपको चूज करना है, प्रॉब्लम प्ले या रोमांटिक टेल्स. गुड, आपने सोच लिया होगा प्रॉब्लम प्ले, तो आप बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 28. जस्टिस इज अ मशीन दैट
when someone has been given in the stretching purpose, roll on its of itself, where does it line appear? Skin, the skin game, the move, justice, the silver box. Which is answer is correct? Question number 28. जी बिल्कुल, आपने करेक्ट आंसर चुन लिया होगा. अगर सी आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 29 में, पिच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेस स्पेशली अ पार्लियामेंट्री ऑफ ऑफिशियल सर्किल अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स वर्दी. क्वेश्चन नंबर 29 का ए जस्टिस. लास्ट क्वेश्चन बताइए 30 का. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.